दोस्तों लावा बहुत जोरों शोरों से प्रमोट कर रही है अपने अपकमिंग स्मार्टफोन लावा ब्लेज कर्व 5G को। और दोस्तों जोरों शोर से प्रमोट करना ये स्मार्टफोन डिजर्व भी करता है क्योंकि स्मार्टफोन काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल रही है लोगों के अंदर, क्या यार कौन सा प्रोसेसर होने वाला है। प्राइसिंग को लेकर भी कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि 25,000 के प्राइस बजट में आएगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि 20,000 के प्राइस बजट में आएगा। आखिर इसकी प्राइसिंग क्या कुछ होने वाली है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ होने वाली है, इंडियन मार्केट में आखिरकार ये कब लॉन्च होगा, मतलब जितने भी कन्फ्यूजन है इस फोन से रिगार्डिंग सारी कन्फ्यूजन अभी क्लियर कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे लावा ब्लेज कर्व 5G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है वो होने वाला है इसका डिस्प्ले। तो यहां पे जो है आपको एक 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस प्राइस पर उस प्राइस पे कर्व एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का, बहुत ज्यादा अच्छी बात होने वाली है। तो डिस्प्ले काफी यहां पे टॉप नॉच प्रोवाइड करा जाएगा। सामने की तरफ पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले हो जाएगा जहां पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। सेल्फी कैमरा से भी हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। बैक की तरफ बात करें तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है। अब OIS होगा या फिर नहीं इस पे कन्फ्यूजन है, बट हाँ मानकर चलो कि OIS देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेकेंडरी कैमरा मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल सकता है। थर्ड कैमरा तो 2 मेगापिक्सल का होगा ही होगा। अब बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एज सच कुछ बाहर निकल कर नहीं आया है, बट हाँ मानकर चलो 5000mAh की बैटरी होगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा और मे बी 66W या फिर 44W 45W के आसपास आपको चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते तो ये 100% कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियली कंफर्म है कि यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7050 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको LPDDR5 वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। क्या मजाक है लावा, सच में लिटरली LPDDR5 रैम टाइप एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मतलब अल्टीमेट फर्स्ट ये स्मार्टफोन बन जाएगा। और इनफैक्ट जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है उस प्राइस पे ये दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी तगड़े निकल कर आने वाली है, मतलब बहुत अच्छा काम कर दिया, सिंपल सी बात समझो लावा ने। एंड यहाँ पे जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले अगर यूज़ करा गया तो उसका भरपूर फायदा उठाया जाएगा। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ महंगा ये स्मार्टफोन 3.5mm जैक पे मुझे कन्फ्यूजन है होगा या फिर नहीं, बट हाँ 50-50 का चांस रखो। एंड डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, लावा का स्मार्टफोन है, स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है, तो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आएगा। एंड एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। तो ये रही एस्पेक्ट्स की कहानी लावा ब्लेज कर्व 5G की। अब अगर मैं आपसे इसके इंडिया लॉन्च करने बात करूं तो आप मानकर चलो कि ये स्मार्टफोन जो है आपको अप्रॉक्स 8-10 मार्च के आसपास इंडिया मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्च के आसपास आप मानकर ही चलो कि इंडिया मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च होगा। और प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इसकी प्राइसिंग जो है आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अंडर 20,000 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के अंदर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग होने वाली है। और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद मतलब मान के चलो इसकी प्राइसिंग 17-18,000 के आसपास हो जाएगी, या फिर अगर एक्चुअल प्राइसिंग 18,000 के आसपास रख देती है और बैंक ऑफर्स का 16-17, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्मार्टफोन हो जाएगा, काफ़ी मजा आ जाएगा। बट हाँ इतना तो आप मान कर चलो, या तो एक्चुअल प्राइसिंग या फिर बैंक ऑफर्स लगाने के बाद इसकी प्राइसिंग 17-18,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। और 17-18,000 से कम हम मतलब उम्मीद नहीं कर सकते, 15,000 से तो कम नहीं उम्मीद कर लेना, क्योंकि भाई जो प्रोसेसर प्रोवाइड कर रही है, डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है, जो भी चीज स्पेक्स प्रोवाइड कर रही है, वो 15,000 से कम प्राइस सेगमेंट पे आना इम्पॉसिबल है। तो इसकी प्राइसिंग आप उम्मीद करो 15 से 20 के बीच में होगा। और मोस्ट प्रोबेबली 18,000 मतलब एक स्वीट स्पॉट है इस स्मार्टफोन के प्राइस के लिए, मतलब 18,000 का प्राइसिंग रख देती है तो काफ़ी सही प्राइसिंग होने वाली है। और 18,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। और लावा काफ़ी अच्छा काम करते आ रही है, और लावा इस बार भी हमें निराश नहीं करेगी, जैसे पहले की तरह निराश नहीं करते आ रही है, तो इस बार भी निराश हमें लावा नहीं करेगी। खैर जब ये स्मार्टफोन ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा देन यहाँ से तो आपको फ्रैंक ओपिनियन देखने को मिल ही जाएगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, तब तक के लिए स्टे ट्यून कीजिएगा। बट हाँ फिलहाल एज ऑफ नाउ यही सारी इन्फॉर्मेशन थी लावा ब्लेज कर्व 5G से रिगार्डिंग जो मैं आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।